हेलो एवरीवन, वेलकम टू देविश व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे लाजपत नगर मार्केट, जो दिल्ली की सबसे पॉपुलर मार्केट है। तो चलिए चलते हैं लाजपत नगर मार्केट और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो जैसे ही हमने मार्केट के अंदर एंट्री की तो वहाँ पर हमें मिल जाते हैं यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ टॉप्स एंड शर्ट्स जो कि 200 रुपीज़ में अवेलेबल थी। तो ये ब्लैक वाला मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था, बट अभी स्टार्टिंग थी तो मैंने ज़्यादा इसमें देखा नहीं, तो काफ़ी इसमें वेराइटीज़ भी थी। और अगर हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए मार्केट में आपको मिल जाता है यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ नाइट सूट्स अवेलेबल थे यहाँ पर अलग अलग कलर्स में। तो कलर्स मुझे काफ़ी पसंद आ रहे थे क्योंकि अलग अलग लाइट कलर्स थे तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे मुझे। और ये यहाँ पर आपको नाइट गाउन्स भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। ये एक पर्टिकुलर शॉप है जहाँ से आप नाइट गाउन्स एंड इस तरह के नाइट सूट्स ले सकते हैं। और यहाँ पर आ गए थे हम अपने ज्वेलरी सेक्शन में। देखिए ज्वेलरी, ये कितना प्यारा ये लग रहा था मुझे ये सेट। तो मैंने इसके लिए पूछा कि भैया इसके साथ इयररिंग्स भी हैं, तो उन्होंने कहा इयररिंग्स नहीं है इसके साथ, तो ये आपको इसी तरह से ही मिलेगा। तो इसकी कीमत अराउंड 650 थी और थोड़ा सा एक्सपेंसिव था ये, बट दिखने में बहुत खूबसूरत था। और अब हम आ जाते हैं अपनी फेवरेट शॉप जहाँ पर कुर्तीज़ एंड बॉटम्स थे। तो ये कुर्ती और बॉटम्स मैंने अपने लिए, बॉटम अपने लिए मैंने लिया क्योंकि मेरा साइज़ मीडियम साइज़ में ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, लार्ज साइज़ में ज़्यादा थी। तो मैं अपने लिए देख रही थी, फाइंड आउट कर रही थी कोई मुझे इसके साथ वाइट बॉटम के साथ कोई अच्छी सी कॉटन कुर्ती मिल जाए। तो मुझे ये कुर्ती बहुत ज़्यादा पसंद आई, येलो, जो कि वाइट के साथ बहुत बहुत अच्छी लग रही थी वाइट बॉटम के साथ। ये देखिए बॉटम कुछ इस तरह का था, कुछ यूनिक था। और गर्मी के मौसम में तो कॉटन के कुर्तीज़ वैसे भी बहुत कंफर्टेबल हैं। उसके बाद आ गए हम पर्स की शॉप पे। यहाँ पर सेल लगी हुई थी, 450 के बैग्स थे, पर्सेज अवेलेबल थे डिफरेंट काइंड ऑफ। तो ये एक वाइट कलर का है था यहाँ पर बैग। तो आप जाकर, अगर आप जाएं तो वहाँ पर आपकी आपको बैग्स की बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, तो आप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। अभी एक्चुअली काफ़ी सेल थी, बैग्स वगैरह की भी काफ़ी सेल थी जो कि 450 से स्टार्टिंग थी और उसके ज़्यादा भी ऊपर रेंज थी। अगर आपको ज़्यादा थोड़ा एक्सपेंसिव लेना है तो वो भी आप ले सकते थे। और ये ड्रेस तो भाई क्या कहूँ, पूरी मार्केट में सबसे ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, बहुत प्यारी। और इसका प्राइस भी मैं आपको बता देती हूँ, इसका प्राइस था अराउंड 2600, 2600 के आसपास था। बट मैंने थोड़ा बार्गेनिंग करने की कोशिश की, बट भैया ने बिल्कुल भी बार्गेन नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल भी इसमें कुछ नहीं कम कर सकता, तो फिर मैंने नहीं ली ये ड्रेस अभी। और फिर हम आ गए बच्चों के लिए कुछ कपड़े लेने। और बच्चों के साथ तो थोड़ा मार्केट में आना और बस थोड़ा सा अगर उनको कपड़े ना दिलाओ, कुछ ना दिलाओ, तो बस फिर तो रूठ जाते हैं। तो उन्हीं के मैं कपड़े लेने आई थी यहाँ पर, क्लोथ्स लेने। तो देविक को ये काफ़ी कुछ जल्दी से पसंद नहीं आ रहा था, काफ़ी सारे भैया ने कलर्स दिखाए टी शर्ट्स में, बट देविक थोड़ा सा चूजी है तो उसको थोड़ा सा जल्दी से कुछ पसंद नहीं आता। तो मैं कोशिश कर रही थी भैया तो थोड़ा और दिखाइए, थोड़ा कुछ और वैरायटीज दिखाइए। तो फाइनली उसने, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर उसने चूज़ किया एक येलो कलर का टी शर्ट और ये देखिए। और यहाँ पर तविश खाने लगे हैं गोलगप्पे, क्योंकि वहाँ पर दिखाई दी गई बच्चों को गोलगप्पे की शॉप, तो बच्चे तो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए गोलगप्पे को देखकर, और वो बस पानी पूरी खाने में लग गए दोनों। और तविश ने तो खूब इन्जॉय किया पानी पूरी को। एक्चुअली दोनों का मतलब बहुत ज़्यादा फेवरेट है पानी पूरी, तो जहाँ पर भी गोलगप्पे देखते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और फिर हमने भी साथ में खाए, तो गोलगप्पे भी बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी थे वहाँ के। तो देविक के लिए हमने येलो कलर की ये टी शर्ट पसंद की जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी, और तविश के लिए हमने पिंक कलर की टी शर्ट पसंद की, और इनके साथ ब्लैक कलर के मैंने शॉर्ट्स लिए दोनों के साथ। दोनों के लिए सेम ब्लैक कलर के शॉर्ट लिए जो दोनों मैच हो रहे थे काफ़ी अच्छे टी शर्ट्स के साथ, और गर्मी के अकॉर्डिंग कम्फर्टेबल भी थे। तो यहाँ पर मैंने दोनों के लिए चूज़ किए। और ये मुझे 100 रुपीज़ में एक बैग मिल गया, जो कि बैग बहुत ज़्यादा मुझे सस्ता लगा, मतलब काफ़ी चीप लगा और अच्छा भी था। और ये लाइटिंग है, ये देखिए लाइटिंग किस तरह की, डेकोरेटिव बॉटल्स वहाँ पर मिल रही थी। ये 150 का भैया ने एक बोला था, लेकिन मैंने बार्गेनिंग की तो 100 रुपीज़ में उन्होंने मुझे
एक दिया, तो 200 रुपीज़ में मैंने ये दोनों लिए। देखिए कितनी खूबसूरत है। और यहाँ पर हम आ गए हैं आगे की तरफ, जहाँ पर फैब्रिक मिल रहा था, ड्रेस मटेरियल, और इसमें पूरा विद दुपट्टा सूट्स थे। 650 रुपीज़ की सेल लगी थी, और इसमें दो कॉटन के सूट्स थे जो मुझे काफ़ी पसंद आ रहे थे। तो देखिए इसमें एक ब्लू कलर का ये वाला कॉटन का सूट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसमें विद दुपट्टा ड्रेस मटेरियल था ये, 650 का। मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ, देखिए ये देखिए, इसमें दो कलर्स थे, एक और कलर था ये वाला, दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल थे और बहुत कंफर्टेबल भी लग रहे थे देखने में, प्योर कॉटन था। तो यहाँ पे और भी तरह की वैरायटीज थी, आप आकर देख सकते हैं। 650 रुपीज़ में आपको फुल मटेरियल मिल जाएगा विद दुपट्टा। तो मुझे ब्लू वाला काफ़ी पसंद आ रहा था, और एक ये वाला कलर था इसमें। ये देखिए, और ये ड्रेसेस तो माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। ये पार्टी वेयर ड्रेसेस थे, और इसमें 3 और 4 कलर्स थे, एक मैजेंटा, ग्रीन एंड येलो। ग्रीन कलर मुझे अच्छा लग रहा था, ब्लू भी था इसमें एक कलर, तो ग्रीन कलर काफ़ी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और बाकी अगर आपको पार्टी वेयर यहाँ से शरारा टाइप ड्रेसेस लेनी है तो आप ले सकते हैं। ये देखिए ग्रीन वाला, ग्रीन कलर बहुत बहुत ब्यूटीफुल था। वैसे कलर्स तो सारे ही ब्यूटीफुल थे, बट ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और फिर आगे हम स्टेलेटोज़ पर लगी थी स्लीपर्स की सेल, 500 रुपीज़ में, डिफरेंट काइंड ऑफ। यहाँ पर भी अलग अलग तरह की वैरायटी थी स्लीपर्स में, हाई हिल वैरायटी भी थी जो पार्टी वेयर थी। तो 500 रुपीज़ में मुझे बहुत ठीक लगी, बहुत रिजनेबल लगी। और 500 रुपीज़ की ये सेल के लिए मतलब काफ़ी रश था, बहुत सारा रश वहाँ पर था, अवेलेबल था। तो आप भी आकर यहाँ से ले सकते हैं। और देवीश आ गए थे टॉयज़ की शॉप पर, उन्हें दिखाई दी मार्केट के बीच में एक टॉय शॉप, तो वो वहीं पर रुक गए दोनों। और ऐसे में बच्चों के साथ शॉपिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर बच्चों को उनकी पसंद की चीज़ें ना दिलाओ तो बच्चे फिर काफ़ी मायूस हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि हम भी कुछ शॉपिंग करें। मैडम फिर मैम ऊपर देखना पड़ेगा, यही 12-13 फुट का आता है। एक्चुअली हमारे पास में उसका मेजरमेंट नहीं है, है ना, मेजरमेंट होना चाहिए, नहीं बालकनी के लिए उसका तो ये वही पर्स है जिस जो मैंने अभी आपको पहले भी दिखाया था, जो मैंने 100 रुपीज़ में लिया। एक्चुअली यहाँ पर जो सेल लगी थी वो 50 रुपीज़ की थी। तो यहाँ पर आपको रबर बैंड्स और बच्चों की स्टेशनरी, ये देखिए इरेजर थी यहाँ पर बहुत सारी, तो ये 50 रुपीज़ की सेल थी। ये 50 रुपीज़ की इरेजर्स थी, और यहाँ पर भी आपको बहुत सारा सामान था जो हाउस होल्ड मतलब जो डेली रूटीन का हमारा सामान होता है ना, वो सब इसमें।